दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से इजी इंडियन किचन में। आज हम बनाएंगे साबूदाने का वड़ा। उसके लिए हमने 250 ग्राम साबूदाना 3 घंटे तक भिगो के रखा था। अब देखिए उसको थोड़ा सा हाथ में पीसने से एक दाने को हमको लगता है कि वो अच्छी तरह से खिल चुका है। और अब हम उसमें 2 मीडियम साइज़ के बॉयल किए हुए पटेटो हम ग्रेट करके डालेंगे। बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है इसलिए हम ग्रेट करके डालेंगे उसको। बहुत ज़्यादा मैश करने से उतना क्रिस्पी नहीं होता है तो हम उसको थोड़ा सा ग्रेट कर लेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ उसके साथ मिक्स करेंगे। भुनी हुई मूंगफली मैंने पहले से ही उसको दरदरा पीस रखा है 20 ग्राम के बराबर। आप इसमें दरदरा पीस के मूंगफली डाल दें। भुनी हुई मूंगफली है ये, उसका मैंने दरदरा एक पाउडर बनाया है। ज़्यादा महीन मत कीजिएगा। इसमें स्वाद अनुसार आप रेड चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मिर्ची नहीं चाहिए तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। मैंने थोड़ा चटपटा बनाने के लिए इसमें रेड चिली फ्लेक्स और हरी मिर्च भी 3 काट के डाली हैं। अब हम इसको स्वाद अनुसार नमक डाल के, अगर आप व्रत में ये खा रहे हैं तो आप सेंधा नमक इसमें मिला सकते हैं। अब हम इसको मिला के बस हमारा साबूदाने का वड़ा का ये तैयार हो गया है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा लेके हम इसका वड़ा बनाएंगे। दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मैंने अपने हथेली पे थोड़ा सा तेल लगा दिया है क्योंकि साबूदाना थोड़ा चिपचिपा होता है। गोल करके फिर उसको चपटा कर देंगे ताकि अच्छी तरह से वो फ्राई होके और क्रिस्पी बने। दोस्तों अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक बटन मत दबाना भूलिएगा। हम इसको थोड़ा सा तेल मीडियम आंच में गरम करके हम इसे फ्राई करेंगे। व्रत में ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप चटनी के साथ उसको, अगर व्रत नहीं है या व्रत में अगर चटनी बना के आप उसके साथ सर्व कर सकते हैं। एक साइड हो जाएगी तो हम उसको पलट देंगे। ऐसे करके हम सारे साबूदाने के वड़े बना के सर्व करेंगे। मूंगफली दरदरी पिसी हुई बहुत ही, और इसको क्रिस्पी, साबूदाना तो होता ही है क्रिस्पी और मूंगफली डालने से और भी ये वड़े जो हैं वो क्रिस्पी हो जाते हैं। आप ज़रूर से इसको बना के देखिएगा, बहुत ही कुरकुरे बनते हैं और बहुत ही टेस्टी। बन के तैयार हो गए हैं। आप सॉस के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं या चटनी के साथ। और अगर व्रत है तो सेंधा नमक का इस्तेमाल करके आप इसको सिर्फ वड़े को ही खा सकते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। मेरे नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय एंड डू टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।